खत्म कर दिया। सर सुनिए ना, सर सर सुना जा सर, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते सर। सर सुनिए ना, सर सर सुना जा सर, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते सर। पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगाने वाले सोनू कुमार इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 16 मई को बिहार के एक सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला 12 वर्षीय छात्र सोनू कुमार ने अचानक खुद को सुर्खियों में पाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा का दौरा कर रहे थे तो भीड़ के बीच इंतजार कर रहे सोनू ने उन्हें बुलाया। नालंदा के कल्याण बीघा के रहने वाले सोनू घटना के एक वायरल वीडियो में कहते हैं, सुन लीजिए सर। हैरान होकर नीतीश कुमार लड़के की ओर मुड़ते हैं, जिस पर बच्चा कहता है, हमको आईएएस आईपीएस बनना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सोनू आगे सीएम नीतीश को बताता है कि उनके पिता रणविजय यादव एक शराबी है जो परिवार का सारा पैसा शराब पर खर्च करता है। इस वजह से उनका परिवार उसे एक निजी स्कूल में भेजने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों से इस मामले में दखल करने के लिए कहते हैं। वैसे सोनू की पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी को इससे भी समझा जा सकता है कि वह अपने गांव में ही अपने बराबर उम्र वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। ट्यूशन से मिलने वाले पैसे से उसने एंड्रॉयड फोन खरीदा, जिससे वह यूट्यूब पर जानकारी हासिल करता है। जैसे ही सोनू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग उसकी मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि बचपन से ही सोनू पढ़ाई में तेज दर्रार है। इसके पिता दूध बेचने का काम करते हैं तो माता लीला देवी निरक्षर है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने तत्काल उप विकास आयुक्त को उसकी आगे की पढ़ाई का जिम्मा सौंपा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पढ़ाई की इच्छा जता और सरकारी स्कूलों की बदहाली की पोल खोलकर वायरल हुए बिहार के नालंदा के सोनू की मदद के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने उसका पटना में एक निजी स्कूल में नामांकन करवाया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी 50,000 की आर्थिक मदद की है। सोनू की मदद के लिए कई और लोग भी सामने आए हैं। एक्ट्रेस गौहर खान ने भी ट्वीट कर सोनू की मदद के लिए इच्छा जताई है। अभी कल्याण विघा माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम पहुंचे हैं और ये अभी लगता है मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के नीचे। सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। अब देखिए कब क्या। यस सर। क्या आप सर? क्या सर? क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ एडमिशन बोले कि करवा देंगे। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर, हरनौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके। तो उस समय तो हम चल ही गए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। फिर हम हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर मरम तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हम अभी ऐसे ही एनसी से लेकर के 5 तक के ले सकते हैं। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर, सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते सर। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर, सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते सर। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।